जो पार्टी में विवाद पैदा किया और पार्टी खत्म करने की साजिश की गई वो राम गोपाल द्वारा की गई। सुलह हो गई थी आजम खान जी की पैरवी पे, 65 सीटों पे मात्र विवाद था, उसमें ये बात तय हो गई थी 20 सीटें मुलायम सिंह जी देंगे, 20 सीटें अखिलेश जी देंगे, 20 सीटें नेताजी सतपाल सिंह देंगे और 5 सीटें आजम खान साहब देंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो राम गोपाल में पूरा गेम खराब किया, और ये भी तय हो गया था कि जो अधिवेशन बुलाया गया है उस अधिवेशन का नाम चेंज करके कार्यकारी या पार्टी की सभा का नाम दिया जाए, लेकिन वो पूरा गेम खराब करने में राम गोपाल का हाथ था, पार्टी को पूरी खत्म करने में सिर्फ राम गोपाल यादव का ही हाथ है। जो पार्टी में विवाद पैदा किया और पार्टी खत्म करने की साजिश की गई वो राम गोपाल द्वारा की गई। और कल की भी घटना बताऊं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक घंटे के अंदर अध्यक्ष बना के पुलिस द्वारा उस कार्यालय पर नेम प्लेट मुलायम सिंह यादव जी की और शिवपाल सिंह यादव जी की हटा दी जाए जब तक चुनाव आयोग की अनुमति नहीं होती है। ये नियम है, अगर आप किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं या प्रदेश अध्यक्ष हटाते हैं तो चुनाव आयोग की अनुमति अनिवार्य होती है। सत्ता का प्रोफेसर द्वारा ही दुरुपयोग किया गया, मुख्यमंत्री जी को भटकाया गया और मुख्यमंत्री को गलत रास्ते पे ले जाया गया और प्रोफेसर ने यह पूरा गेम खेला। प्रोफेसर 100% गद्दार आदमी है पार्टी के हित में।